Good morning students in the previous video we have completed question and answers in the english copy now today you have to take out page number 54 we are going to start vocabulary part given in the book so first of all we are going to study about phrasal verbs तो फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं फ्रेजल वर्ब्स आर फॉर्म बाय जॉइनिंग अ वर्ब विद अ प्रीपोजिशन तो आपको पता है प्रीपोजिशन क्या होता है in, on, and, under, over. तो इन ऑन एंड अंडर ओवर तो इनके साथ जब वर्ब जॉइन होता है फ्रेजल वर्ब फिर उसके बाद फॉर्म होता है मतलब वर्ब और प्रीपोजिशन जोड़ के फॉर्म होता है फ्रेजल वर्ब लाइक द साइंटिस्ट वर कैरिंग आउट देयर एक्सपेरिमेंट्स इन दिस फील्ड Fleming, on the other hand, followed up on his observation. The discovery of penicillin brought about one of the biggest searches in medical history. The colored word in these sentences are phrasal. Verb carrying out. So, what is कैरिंग वर्ब है आउट इज अ प्रिपोजिशन फॉलोड क्या है वर्ब है अप क्या है प्रिपोजिशन है ब्रॉड इज़ अ वर्ब एंड अपाउट इज प्रिपोजिशन तो इन दोनों को जोड़ के ही क्या बन जाता है फ्रेजल वर्ब सो वी विल अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली बाय डूइंग दिस एक्सरसाइजिज एक्सरसाइज नंबर ए इज़ आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन द फ्रेजल वर्ब इन दीज सेंटेंसेज एंड ऑल्सो राइट देअर मीनिंग्स तो हमें यहाँ पर फ्रेजल वर्ब पे अंडरलाइन करना है और उनका मतलब भी लिखना है सो so, सबसे पहले वाले सेंटेंस में जो दिया गया है इज़ द प्रेजेंट डिस्टरबेंसेस विल सोन पास ओवर तो यहाँ पे पास ओवर क्या है फ्रेजल वर्ब है और इसका मीनिंग होता है इग्नोरिंग आई जी एन ओ आर आई एन जी पास ओवर का मीनिंग है इग्नोरिंग सेकेंड वन इज रस्ट हैज़ ईटन अवे द प्लेट ईटन अवे ईटन अवे यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है एंड इसका मीनिंग है रिड्यूज सम थिंग आर ई डी यू सी ई डी रिड्यूस्ड समिंग फॉर ईयर्स आई कुड नॉट शेक ऑफ माई मलेरिया तो यहाँ पर शेक ऑफ फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब है टू गेट अवे फ्रॉम समबडी टू गेट अवे फ्रॉम संबडी फोर्थ वन इज ही इज रेडी टू डिस्पोज ऑफ हिस कार फॉर रूपीज वन लैक तो यहां पर फ्रेजल वॉप है टू डिस्पोज ऑफ और इसका मीनिंग है टू गेट रिड ऑफ समबन टू गेट रिड ऑफ समन फिफ्थ वन इज द क्वेस्ट केम अप बिफोर द मुनिसिपल कॉर्पोरेशन लास्ट वीक सो यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है केम अप एंड इसका मीनिंग है मूव्ड टूवर्ड्स समूवड टूवर्ड्स सम वन

लीडर सो यहाँ पे टर्ंड आउट इज अ फ्रेजल वर्ब एंड मीनिंग ऑफ टर्ंड आउट इज़ टू बी नोन और डिस्कवर्ड टू बी नोन और डिस्कवर्ड एर्थ वन इज द स्ट्रेन इज टेलिंग अपॉन हिज हेल्थ तो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है टेलिंग अपॉन सो द मीनिंग फॉर टेलिंग अपॉन इज हैविंग अ मार्क्ड इफेक्ट ऑन तो हम यहाँ से लिखेंगे इसको हैविंग अ मार्क्ड इफेक्ट ऑन Then, ninth one is John worked out the problem in few minutes. So, here, worked out is a phrasal verb and meaning is solved by calculation. S O L V E D, solved by calculation. Then, tenth one is they set off for Chandigarh early this morning. Set off. Is a phrasal verb and the meaning of set off is to start on trip. To start on trip. So here we have completed our exercise number A. Once again I am telling you Passover is a phrasal verb and the meaning is ignoring. Eaten away.

Worked out, solved by calculation. Set off to start on trip. So, we have underlined the phrasal verb and written the meanings also. Now, in the next video, we will continue forward with the exercise number B. Till then, you have to complete this exercise number A in your book.